बड़े भाई अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, नई बालक को पसंद आता, रोने लगता, जिद करता है तो वही चॉकलेट दिला भी देते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मैं ऊंची कुर्सी पे बैठा हूँ, रेगुलेटर रेगुलेशन हमने बनाना है और आपको उसकी अनुपालना करनी है, इससे ये मतलब नहीं है कि आपको नाराज करके या आपका बुरा करके हमने इम्प्लीमेंट करना है। आप से मतलब खुली वो है, आप रिजोल्यूशन पास कर दीजिए, ये नहीं चाहिए। TRAI को कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई ईगो नहीं है इसमें किसी तरह की। आप देखो खान साहब फिर वही, अब 10 मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो हमारी भाषा में इसे समझ लीजिए। नहीं, आप हमारी इंशाल्लाह बहुत साल जिएंगे, दिल्ली नहीं बैठेंगे, इंदौर बैठेंगे, तो वो बात छोड़ दीजिए, हमें बोलने नहीं दीजिए। आप लोग तय कर लीजिए टैरिफ ऑर्डर, और टैरिफ ऑर्डर खाली एक नहीं है, तीन तीन रेगुलेशन, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वो है। मैं 1 घंटा बोलूं, 2 घंटा बोलूं, अरविंद जी 15 मिनट बोल चुके। आपको डब्बे खुद खरीदने पड़ते थे, एडवांस पैसे देने पड़ते थे, वो ठीक है आप आगे निकाल लेते थे, सारी पैसा कस्टमर ही देता था। आज नए रेगुलेशन में हर चीज में क्लैरिटी है। अगर डब्बा MSO का है तो MSO का है, आपको इंस्टॉलेशन चार्ज मिलने हैं तो वो मिलने हैं, आपको एक्टिवेशन फीस मिलनी है तो वो मिलनी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट खाली ये है, एक बार एंड टू एंड टैरिफ ऑर्डर पढ़ तो लीजिए, समझ लीजिए उसमें आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। और मैं दावे से कह रहा हूं, आप में से जो आदमी 1.25 घंटा लगा के 70-80 पेज है हिंदी में, हर चीज एक्सप्लेन है, नहीं वो तीनों रेगुलेशन जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, टैरिफ ऑर्डर और वो इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, एक बार पढ़ तो लीजिए। आप सारे लोग मेरे से अलग अलग, कभी 10 लोग आए, कभी 20 आए, कभी 40 आए, मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, ये टैरिफ ऑर्डर हम लोगों से पहले का बना हुआ है। उसके बावजूद जब जब जिससे बात हुई, अल्टीमेटली ये कह के गए, हाँ साहब हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है, हम जबानी खाते चल रहे हैं। कुछ भाइयों ने ये कह दिया, साहब एग्रीमेंट वो देता नहीं है, हमसे साइन तो कराए थे, कॉपी उसी के पास है, हमारे पास नहीं है। आज 15 दिन में उसको कानूनन आपको एग्रीमेंट की कॉपी देना मैंडेटरी है। प्रभु साहब वो MIA करी इसलिए नहीं रहा कि उसने आज तक MIA जबानी किया है। सर वही तो आप बोल रहे हैं सर, उसका जो भी बीच की ले रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपको दबाएगा कैसे? अब तक तो दबाने का तरीका ही ये था कि तेरे पास एग्रीमेंट नहीं, कल से बिल भेज दूंगा। और MSO का रिकॉर्ड, जिस MSO का नाम लो मैं निकाल के दिखाता हूँ, आपके वो कंज्यूमर जिनकी हर महीने पेमेंट पूरी हो रही है उनका 800, 1000, 2000, 5000 बकाया लिखा हुआ है उसके खाते में। आप लोग पोर्टल नहीं देखते हो सर, वी नो दैट। तो आप लोग अपनी यही तो हम बोल इसी रहे हैं के बेस पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है सर, यही तो हम 5 साल से बोल रहे हैं सर। तो नए रेगुलेशन में बहुत बहुत क्लैरिटी है, हमने ये बोला है कि आप कंज्यूमर वाइज बिल दोगे और बिल क्लियर करोगे, रसीद LCO काटेगा। किसी ने पढ़ा है ये? अब ये भाई साहब मुझे, सर मैं कह रहा हूँ आप लोग, सर मैं कह रहा हूँ आप लोग, नहीं, बिल बिल जनरेशन हमने दोनों ऑप्शंस खुली रखी है। वो हमने क्यों खुली रखी है, अगर वो आपको, देखो भाई साहब बिल जनरेशन में 2-5 रुपए खर्च होते हैं, वो 5 रुपए आपको देगा, आप जनरेट करो, आप हो सकता है 3 रुपए में बिल जनरेट कर दो, और वो अगर वो वाले 5 रुपए नहीं देगा तो कर भैया बिल जनरेट, हमारा क्या नुकसान है, छाप कागज और भिजवाने का भी अरेंजमेंट कर। सस्ते से सस्ता मधुर कोरियर चलता है इंदौर में और सूरत में, आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, 6 रुपए लेता है भाई साहब एक चिट्ठी का, एक बिल दे, अभी 8 करती तो मुझे पुरानी पता भाई साहब 8 या 10 का भाव मालूम हो जाएगा, नहीं देगा रेवेन्यू शेयर, क्योंकि LCO तो 3 रुपए बांट देगा वो बिल।
ये सब कहने की बातें हैं, आप लोग ट्रांसपेरेंसी इसकी पढ़ लो, मिसगाइड नहीं हो। और जैसे अरविंद जी ने कहा ना, मैं कह रहा हूं भाई साहब आप 45 पैसे लेके भी आज से ज्यादा सुखी रहोगे, मैं 45 पैसे को एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं 45 ले लेना। आप लोग ध्यान से एक बार सारी चीज सारी स्कीम पढ़ लो, 45 पैसे कब है, जब 30 में से 26 काम वो आदमी करेगा, वो भी हिंदी में लिखा हुआ, नहीं करेगा आपसे कराएगा, आप अपना हाथ मांगिए। ढाई सर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा सर, हमने आप प्लीज ये समझिए कि आपको इनफॉर्मल से फॉर्मल करने की कोशिश है और आपको आपका हक दिलाने की कोशिश है ये रेगुलेशन। और आप लोग यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हो वो इसीलिए हुए हो कि वो लोग आज भी आपको बरगला रहे हैं, जो लॉबी उनकी बैलेंस शीट में छपा है क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में 300 करोड़ छप चुका है, उसके अलावा बाकी अगले तीसरे क्वार्टर में छप जाएगा, वकीलों को दे चुके हैं। क्यों दिए है भाई साहब? टीआरआई को खुश करने के लिए नहीं दिए? अगर उन्हें फायदा हो रहा होता और उनका चैनल 19 रुपए का बिक रहा होता तो भाई साहब वो 2.5 साल पूरी उनकी एसोसिएशन वहां ना खड़ी होती। उनके पास फर्क खाली है, मतलब मुझसे भी जिस दिन तक रेगुलेशन नहीं था वो कोर्ट में केस था ना, कोई नहीं मिलता था, मैं किसी ऑपरेटर का नाम नहीं लूंगा सर, 16 आदमी अलग अलग रोल, भाई साहब मैं ऑडिट का इंचार्ज हूँ, मैं फलाने का इंचार्ज हूँ, मैं ढिमकाने का इंचार्ज हूँ, और सब टाई लगा के बढ़िया कोट पहन के, जितनी मेरी तनख्वाह नहीं होगी उससे 4 गुना तनख्वाह हर एक उन 16 में से आदमी ले रहा होगा,